हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आपका पिछले 5 सालों में यूपी बीएड के एंट्रेंस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज चल रहा है, पार्ट वन है। इसी प्रकार से हम जो है वो डे बाई डे अलग अलग एग्जाम्स के पेपर जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप तो आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, साइंस वर्ग के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बिंदु 3.4 की रेखा 4x-3y+12 से न्यूनतम दूरी क्या है। देखिए, एक बिंदु दे रखा है आपको 3.4, ठीक है, और एक रेखा दे रखी है आपको 4x-3y+12=0। इससे पूछा है न्यूनतम दूरी। तो देखिए, न्यूनतम दूरी का एक फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ देख लीजिए, ax1+by1+c अपॉन होता है √a² + b², ठीक है। अब देखिए, a क्या होता है, हम इसकी कंपेयर करते हैं, देखिए ax+by+c से इसकी कंपेयर करते हैं, जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 रखेंगे इंटू x1 और y1, ये होता है x1 और y1, 3 हो जाएगा, 4 × 3 प्लस बी, देखिए बी यहाँ पर जो है वो माइनस का 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे इसको तो माइनस का 3 आएगा। हम ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। वाई वन कितना है हमारा यहाँ पर, वाई वन 4 है, और प्लस कितना है हमारा, 12 है प्लस। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ए कितना है आपका 4 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है आपका माइनस का 3 का स्क्वायर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई दिक्कत आपको यहाँ पर हुई होगी। अब आगे चलते हैं, देखिए ऊपर देखिए 4 + 3 कितना होता है, 12 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 × 3 = 4 कितना हो जाएगा, 12, प्लस कितना आ जाएगा, 12। नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ऐसे ही लगाएंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, वो भी प्लस का 9 होता है, ठीक है। अब देखिए 12 से 12 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 12/2 कितना हो जाएगा, ये 16 + 9 कितना हो जाएगा, √25, ठीक है, और यहाँ √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर, 12/5 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला। सन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका कभी कभी BSc से के कुछ फर्स्ट ईयर से बन जाते हैं, जैसे कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, BSc में है टॉपिक, यहाँ से पिछले 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विधि क्या है, तो एक क्वेश्चन था, सॉल्व करने को आया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक 4 अवयवों के समुच्चय में कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। देखिए, सेट से आपका जो है वो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा सेट से 2 क्वेश्चन आते हैं, और हर साल आपको सेट से कम 2 मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ईजी होते हैं दोनों क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है कि 4 अवयवों के समुच्चयों के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, यानी कि 4 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे 4 अवयव वाले समुच्चय के, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 हो जाएगा, तो आपका 16 इसमें राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और प्लीज़ वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 7x-2y = 3 तथा 11x-ky+8 असंगत है यदि k का मान। देखिए असंगत कब होगा, कंडीशन समझ लीजिए, असंगत होगा जब जब a1/a2 = b1/b2 बट it not equal to c1/c2, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, a1/a2 और b1/b2, ये आपस में बराबर होंगे, लेकिन कोई भी इनमें से c1/c2 के बराबर नहीं होगा। चलिए
देखते हैं ए वन कैसे निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पर ए ये है सेवन है, बी ये है माइनस टू और सी ये है थ्री। यहाँ पर सेम एज ग्यारह है, ए है ठीक है, बी क्या है, पहले इक्वेशन को हम यहाँ पर सेम एज कर लेते हैं। जैसे कि सेवन एक्स माइनस का टू वाई माइनस का थ्री बराबर जीरो, ऐसे ही इसको कर लेते हैं ग्यारह एक्स माइनस का के वाई, और इस आठ को इधर ही है तो यहाँ पर आठ हासिल रहने देते हैं ठीक है। ये हम तीन को इधर ले आए हैं, अभी दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। इससे कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से यहाँ पर कंपेयर करते हैं ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई सी से कंपेयर करते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए जो ए वन आएगा वो इसके लिए होगा वन वाला ठीक है, और ए टू जो होगा वो इसके लिए होगा, सेम एज बी वन इसके लिए होगा और बी टू इसके लिए होगा। तो ए वन निकालते हैं, ए वन कितना है हमारे यहाँ पर सेवन, तो सात लिख दिया। अब ए टू कितना है हमारे यहाँ पर ग्यारह है, फिर यहाँ पर बी वन कितना है माइनस टू है, तो माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी टू कितना है माइनस के इज नॉट इक्वल टू सी वन कितना है यहाँ पर माइनस थ्री अपॉन सी टू कितना है यहाँ पर एट। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस है तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका सेवन अपॉन अलेवन इज इक्वल टू टू अपॉन के इज नॉट इक्वल टू थ्री माइनस थ्री अपॉन एट। अब हम एक बार इसको और इसको ले ले रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सात बटे ग्यारह बराबर दो बटे के को हम उधर ले आएंगे तो ये उल्टा उधर जाके उल्टा हो जाएगा, ग्यारह बटे कितना हो जाएगा सात, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्यारह दुनी बाईस बटे सात आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इसमें राइट आंसर आपका होगा। तो इक्वेशन आप समझ लीजिए, देखिए ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है जब असंगत पूछा हो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, यदि ए बराबर एक दो तीन बी बराबर दो तीन चार तथा समष्टीय समुच्चय यू इज इक्वल टू एक से लेकर नौ हो तब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या होगा। देखिए 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है लेकिन कुछ बड़ा भी नहीं है ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब हुआ इसका, पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत सा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बीच के ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पर लेंगे ठीक है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो मुझे दो दिखाई दे रहा है तो दो इसमें भी है, तीन इसमें दिखाई दे रहा है तो तीन इसमें भी है, यानी कि दो और तीन जो है आपका वो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया दो कॉमा तीन। एक यहाँ पर है लेकिन एक यहाँ नहीं है, चार यहाँ है तो चार यहाँ नहीं है इसलिए हम इनको छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए ए डैश का मान कितना होता है, ए डैश का मान होता है यू माइनस ए ठीक है। ए यूनियन बी डैश का मान कितना होता है, याद रखिएगा ए यूनियन बी डैश का मान होता है यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब जिस चीज़ का हमें डैश निकालना होता है उसको हम यू में से माइनस कर देते हैं, यानी कि जो समष्टीय समुच्चय है हमारा उसमें से उसको घटा देते हैं जिसका हमें डैश निकालना होता है ठीक है। सेम इसी प्रकार करेंगे यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ठीक है। अब देखिए यू कितना है हमारा पास, तो यू हमारे पास है वन टू थ्री एंड सो ऑन नाइन। अब यहाँ पर हमें माइनस क्या करना है दो कॉमा तीन ठीक है, तो जो एलिमेंट हमें माइनस करने हैं वो यू में से छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट जो ऐसे उतर जाएंगे ठीक है। तो हमें दो और तीन जो है वो माइनस करना है तो इनको हम ऐसे छोड़ देंगे तो हमें क्या आ जाएगा वन और दो नहीं आएगा तीन नहीं आएगा, फिर चार फिर पाँच आएगा छः और इस प्रकार से सात आठ और नौ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश, एक चार पाँच छः सात आठ नौ, कौन सा है इसमें से एक चार पाँच छः सात आठ नौ, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना क्वेश्चन इजी हुआ ये, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ यहाँ पर होता है नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएँ तीन सेंटीमीटर सात सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए भुजाएँ देखिए आपको त्रिभुज की यानी कि तीन सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू दे रखा है आपका सेवन सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू दे रखा है आपका एट सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपने, सभी को पता होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है, अर्ध परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 2s, यानी कि इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 8
कितना हो गया ये, 7 और 3 10 और 8 18 हो गया, ठीक है। लेकिन एस बराबर क्या हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 9। अर्थात एस बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 9 आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर आप एस कितना है हमारे पास 9 इंटू एस माइनस ए, डायरेक्ट घटाएंगे 9 है ये, ए कितना है आपका 3 है, 9 में से 3 गया तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। इंटू एस माइनस बी, 9 माइनस बी यानी कि 7, तो कितना हो गया 2 हो गया। एस माइनस सी यानी कि 9 माइनस 8 कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये बचेगा आपका 3, डायरेक्ट 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, यहाँ बचेगा आपका ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और 1 2 पहले से ही है और 1 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3 हमारे पास बाहर है और 2 का 1 पेयर ये बन रहा है, तो 1 2 ये बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3, ठीक है। 3 × 2 कितना होता है 6 और 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कोई भी ऐसा टफ वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। दिया गया है कि एक चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और बी ओ ए बराबर 124 अंश है, ये वाला कोण, तब बी सी ए का मान पूछा है, यानी कि ये वाला कोण आपको जो है वो बताना है, ठीक है। और जरा मुझे बताइए कि कोण ए ओ बी बराबर कितना दे रखा है, 124 अंश दे रखा है, ठीक है। आपको पता होगा कि 360 में से यदि कोई कोण घटाते हैं तो वही कोण आता है यदि किसी वृत्त के अंदर बने कोण है, ठीक है। तो हम कोण ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं आपका 360 माइनस कितना लिख सकते हैं 124 लिख सकते हैं, ठीक है। चक्रीय शत्रुभुज बन रहा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 5 3 और ये 2। कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया यहाँ पर 236 अंश। अब कोण ए सी बी निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोण बी सी सी निकालेंगे, सॉरी बी सी ए कोण, तो बी सी क्या हो जाएगा हाफ कोण ए ओ बी, वो कैसे हो जाएगा, वो भी बाह्यत है क्योंकि बाहर का कोण है, ठीक है, बाह्यत है कोण का हाफ हो जाएगा यदि ये वाला कोण आपको निकालना है आंतरिक कोण, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 236, तो डिवाइड करेंगे 118 आ जाएगा, और राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 118 अंश कोण बी सी ए इक्वल टू 118 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4√3 भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। देखिए 4√3 भुजा के, भुजा दे रखी है आपकी यानी कि ए बराबर मान लेते हैं 4√3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये कुछ समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, शीर्ष लंब आपका ये पूछा है, ये वाला लंब जो है, अब ये कितना हो जाएगा 4√3, ये कितनी है आपकी 4√3 और ये कितना है आपका 4√3। ये हमें पता है कि ये 90 अंश बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो कोण ए सी और यहाँ पर हमें यदि कोई बिंदु लेने डी, तो इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हम लगा सकते हैं, और यहाँ पर लेकिन एक फार्मूला भी होता है शीर्ष लंब के लिए समबाहु त्रिभुज के, फार्मूला होता है √3/2, ये होता है फार्मूला। अब ए कितना है आपका यहाँ पर 4√3 दे रखा है, इंटू आपका √3 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है, 2 से माइनस काटेंगे इसको 2 बार, और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 × 2 × 3 आ जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए यदि इस प्रकार से आपको कितने भी अंदर दिए जा सकते हैं रूट के अंदर रूट, तो 0.01 + 0.0064। अब आप देखिए 0.8 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 64 आता है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो एक के बाद और लग जाता है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाता है, ठीक है। अब यदि इसी प्रकार से 4 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा,
कि वो एक दो अंकीय संख्या होगी, ठीक है, दो के बाद पॉइंट होना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.08 का वर्ग है, हमें ये पता है इसका मतलब। तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 प्लस इतना कितना है, 0.08, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, 0.09। अब 0.09, 9 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब 0.09 का है यानी कि दो बार पॉइंट है, तो कितना एक बार पॉइंट लग जाएगा, वर्गमूल है 0.3, आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर पूछा, क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली आप 2 सेकंड में इसको कर सकते हैं, सीधा देखते ही आप आंसर कर देंगे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, साथ में जो है कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि एक आयत की लंबाई 75% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए लंबाई को कितना कम करना होगा। मान लीजिए, दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूँ और दूसरा जो है वो शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी बताऊँगा। पहला, तो आप ये समझिए कि माना लंबाई कितनी है आपकी, वो एक्स है, और चौड़ाई कितनी है आपकी, वो है वाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि एक्स वाई आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब देखिए नई लंबाई जो लिखेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लंबाई जो है वो 75% बढ़ा दी गई, यानी कि 3/4 प्लस कर दिया गया, किसमें, 3/4x प्लस कर दिया गया x में, ठीक है। तो कितना हो गया, 4x और 3x कितना हो गया, 7x/4। तो नई लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 7x/4, ठीक है। अब कह रहे हैं कि चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल वही रहे, तो क्षेत्रफल फिर वही निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल तो हमारा एक्स वाई ही रहना है। अब चौड़ाई हमें यहाँ पर मान लेनी है कितनी, वाई डैश मान लेनी है, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई, क्षेत्रफल होना कितना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल होना चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 7x/4 इंटू कितना हो जाएगा, वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, यही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वाई डैश बराबर बता देंगे हमें, यहाँ पर वाई डैश निकालना है हमें, वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4xy अपॉन हो जाएगा 7x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4y/7y वाई डैश, ठीक है। अब देखिए वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 4y/7, ठीक है, यानी कि जो लंबाई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अब थी कितनी लंबाई, पहले y थी, तो कितना का डिफरेंस आ गया, y में से घटा के देख लेते हैं, डिफरेंस आया यहाँ पर 7 × 7, यानी 7y-3 4y कितना हो जाएगा, 3y/7, ठीक है, इतने का हमारा डिफरेंस आया। अब देखिए परसेंटेज में हानि निकालने, कमी निकालनी है, तो यानी कि जितने का डिफरेंस होता है उसको ऊपर रखते हैं 3/7, जितने का होता जिसमें से होता है उसको नीचे रखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो y से y कैंसिल हो गया आपका, ये 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 300/60% आपका जो है वो कमी इसमें हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसको आप एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चलिए इरेज करते हैं इसको सभी को पहले। मान लीजिए कोई आयत है, इसको हम मान लेते हैं कि 10 और 10 जो है वो इस प्रकार की उसकी क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो ये वर्ग हो जाएगा 10/4 का, तो इसको कुछ कम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर इसको रखते हैं 8 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 80 हो गया, ठीक है। 70 इसकी कितना बढ़ा दिया इसको हमने, 75% बढ़ा दिया। 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 7.5, तो कितना हो जाएगा, नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 17.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमने मान ली कि वाई है, तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई ये होनी चाहिए। वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80/17.5 हो जाएगा, ठीक है। तो नई लंबाई जो है हमारे पास कितनी आ गई, वो ये है लंबाई, ठीक है। अब इस लंबाई में से अब इसको देखिए पॉइंट में यदि आप नहीं करते हैं इसको तो सॉल्व करना, पॉइंट में करते हैं तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो कुछ ऐसी लंबाई यहाँ पर आप मान सकते हैं जिससे कि आपको नीचे पॉइंट ना आए, ठीक है, तो पॉइंट नहीं आएगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट वाई आपको यहाँ पर मिल गया कि जो लंबाई आपको होनी है, ठीक है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए जो लंबाई थी, तो ये हो जाएगा 80/17.5 -8,
इसको आप सॉल्व करेंगे और अपॉन वाई करेंगे इनटू 100 हो जाएगा, सॉरी अपॉन 8 करेंगे क्योंकि जो लंबाई हमारी पहले की थी, ठीक है। तो आपके पास जो है वो भी वैल्यू आएगी आपका 300/7%, यही आपका इसमें राइट आंसर आना है। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इसका PDF आपको यदि डाउनलोड करना है तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस का प्रबंध कर रहे हैं और आई होप कि आगे चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।